नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपसे कभी भी गलती से कोई भी फोटो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर से डिलीट हो गया है तो वो आप किस तरीके से वापस ला सकते हैं, वो भी बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी लैपटॉप, बिना किसी एप्लीकेशन के और यहाँ तक कि बिना किसी इंटरनेट के। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सरल तरीके से आप अपने डिलीट हुए फ़ोटोज़ को वापस ला सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी इंटरनेट के, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपके डिलीट हुए फोटोज़ जो कि कभी भी डिलीट हुए हुए फोटो हों तो उनको आप किस तरीके से वापस ला सकते हैं बिना किसी ऐप के, बिना किसी इंटरनेट के, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। जानने के लिए आप बने रहें वीडियो पर, बिना स्किप करें शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को भी जरूर से दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके मोबाइल फोन से भी कभी भी अगर आपका कोई फोटो डिलीट हो गया है तो वो आप किस तरीके से वापस ला सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल फोन है उसके फाइल मैनेजर के अंदर आपको चले जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर को इस तरीके से ओपन कर लेना है। आपके पास किसी भी कंपनी का फोन हो, आपको यहां पर ये जो थ्री लाइन में मिल जाएगा देखने के लिए, या फिर थ्री डॉट इस तरीके से देखना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर थ्री लाइन या फिर थ्री डॉट आपको इस तरीके से दिखाई देगा फाइल मैनेजर के अंदर। तो आपको यहां पर इस पर टच करना है और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहां पर इस सेटिंग पर टच कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग पर टच करेंगे तो शो हिडन फाइल ये इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर ये इस तरीके से ऑफ रहता है तो आपको इसको ऑन कर लेना है इस तरीके से। तो जब आप इसको ऑन कर लेंगे और यहां पर आपको बैक हो जाना है तो आप देखेंगे यहां पर आपका जो फाइल्स होते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर डी सी आई एम करके एक फोल्डर देखने के लिए मिलेगा, तो आपको डी सी आई एम फोल्डर को सर्च कर लेना है, देख लेना है। ये देखिए डी सी आई एम के नाम से आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई देगा, तो आपको इस फोल्डर को इस तरह से ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो एकदम टॉप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल्स के नाम से आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी फोटो जब भी आपने डिलीट किए होंगे तो यहाँ पर ये जो थंबनेल्स के नाम से फोल्डर है इसके अंदर सारी फोटो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो फोल्डर है इस पर आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है। देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो गया और नीचे की तरफ में मोर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इस मोर वाले ऑप्शन पे टच करके ये जो फाइल है इसको रीनेम कर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर देखिए यहां पर मैं अवनीत नाम डाल देता हूं। ये देखिए अवनीत फोटो इस तरीके से डाल दिया है, इसको आपको रीनेम कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने अवनीत फोटो कर दिया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अवनीत फोटो कर दिया मैंने इसको थंबनेल्स को। और यहाँ पर मैं इसको ओके करके दिखता हूँ तो जो भी फोटो जब भी मैंने डिलीट किए होंगे फोटो या फिर वॉलपेपर या फिर किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ अगर आपके मोबाइल फ़ोन से फोटो वगैरह डिलीट हो गई है तो वो आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से वापस ला पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक हो जाना है और यहाँ पर रीनेम कर देने के बाद, बैक होने के बाद यहाँ पर आपको वापस से थ्री लाइन पर टच करके ये जो इसको आपने ऑन किया है इसको इस तरीके से ऑफ जरूर से कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहां पर बैक हो जाना है। इस तरीके से दोस्तों, आप यहां पर आपके कभी भी कोई भी फोटो अगर गलती से डिलीट हो गए हैं तो वो आप बहुत ही आसान तरीके से रिकवर कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी इंटरनेट के, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहां से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।